देखो उधर बाबर आजम ने एक और 100 बना दिया, 58 बॉलों में 100 बनाया एक और न्यूजीलैंड T20 मैच में। बाबर की तो बैटिंग आप T20 में देखो यार, अगर हाइलाइट देखो बड़ा मजा आता है, वो उसी तरह के शॉट्स खेलते हैं। बाबर आजम इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम बन चुके हैं। हर गुजरते मैच, हर गुजरती सीरीज के साथ बाबर आजम अपने बल्ले का लोहा पूरी दुनिया को मना रहे हैं। अपने 101 T20 इंटरनेशनल मैच में बाबर आजम ने 101 रन की पारी खेलकर रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत बड़े बड़े खिलाड़ियों के रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिए। बाबर आजम अपने लिए खेलता है। बाबर आजम पावर प्ले का बकवास खिलाड़ी है। बाबर आजम T20 में ओपन नहीं कर सकता। बाबर आजम को कप्तानी से हटाओ। ये सब कहने वालों को आज बाबर आजम ने एक बार फिर अपनी शानदार परफॉर्मेंस से चुप करवा दिया। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 में बाबर आजम ने अपने T20 इंटरनेशनल की तीसरी सेंचुरी चढ़ दी। भारतीय मीडिया समेत पूरी दुनिया में एक बार फिर बाबर आजम के चर्चे होने लगे। बाबर आजम ने 58 गेंदों में 101 रन की नाकाबिले शिकस्त पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 3 फलक शिकाफ छक्के शामिल थे। T20 इंटरनेशनल में बतौर कप्तान बाबर आजम 3 सेंचुरियां लगाने वाले दुनिया के पहले कप्तान बन गए, जबकि रोहित शर्मा 2 सेंचुरियों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। T20 क्रिकेट में बतौर कप्तान यह बाबर आजम की 6 सेंचुरी है, जबकि विराट कोहली ने बतौर कप्तान 5 सेंचुरियां लगाई थी। बाबर आजम ने 2019 के बाद से लेकर अब तक T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 9 सेंचुरियां लगाई है, और वो T20 क्रिकेट में क्रिस गेल के बाद अब सबसे ज्यादा 9 सेंचुरियां बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 में शानदार कामयाबी के साथ बाबर आजम बतौर कप्तान 42 फतूहात हासिल कर चुके हैं। एक और फतह और बाबर आजम 43 फतूहात के बाद T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे कामयाब कप्तान बनने का एहसास भी अपने नाम कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप भी बाबर आजम के चाहने वाले हैं और उनकी शानदार सेंचुरी और रिकॉर्ड साज पारी आपको भी पसंद आई, तो कमेंट में किंग बाबर और बादशाह बाबर जरूर लिखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।